नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में 3 दिन खराब रहेगा मौसम, बारिश बर्फबारी की संभावना। मनाली लेह नेशनल हाईवे 3 पर अटल टनल रोहतांग से कुछ किलोमीटर पीछे स्नो गैलरी में आज दोपहर को हिमस्खलन हुआ। इससे हाईवे करीब 45 मिनट तक अवरुद्ध रहा। गनीमत रही कि हिमस्खलन की घटना के दौरान सड़क पर कोई वाहन नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने मशीनरी लगाकर हाईवे को यातायात के लिए बहाल कर दिया है। बीते दिन भी सोलंग नाला के पास हिमखंड गिरने से मनाली लेह मार्ग आधा घंटा बंद रहा। उधर हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कल मौसम साफ रहेगा। 19 से 21 फरवरी तक मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मंडी पहुंचे बड़ा देव, कमरूनाग हुआ भव्य स्वागत, वाद्य यंत्रों की धुनों से गूंजी छोटी काशी। बड़ा देव कमरूनाग के मंडी में पहुंचते ही अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव के कार्य शुरू हो गए हैं। वहीं मेले में शिरकत करने के लिए बड़ा देव दोपहर 2:05 पर पुल घाट में पहुंचे। यहां प्रशासन की ओर से तहसीलदार साजन अन्य अधिकारियों और सर्व देवता सेवा कमेटी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सर्व देवता कमेटी के प्रधान श्रीपाल शर्मा और बड़ी संख्या में लोगों ने देवता का पुल घाट में भव्य स्वागत किया। करीब 2:45 पर उन्होंने राज देवता माधोराय के मंदिर में हाजिरी भरी। 10 साल का सूखा खत्म, धर्मशाला स्टेडियम में होंगे IPL के 2 मैच। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम HPCA धर्मशाला में IPL मैचों का चल रहा सूखा 10 साल बाद खत्म हुआ है। इस साल IPL के 2 मैच धर्मशाला में भी खेले जाएंगे। 17 मई को शाम 7:30 पर पंजाब किंग्स की टीम दिल्ली कैपिटल्स और 19 मई को भी 7:30 पंजाब किंग्स की टीम राजस्थान रॉयल के साथ भिड़ेगी। वहीं HPCA स्टेडियम धर्मशाला में 2013 के बाद IPL मैच होने जा रहे हैं, इससे क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 16वें सीजन का शेड्यूल जारी हो गया है। आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बताया कि पहला मैच 31 मार्च को गुजरात टाइटंस और 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। स्कूटी के लिए देशराज ने 1,12,00,000 में खरीदा VIP नंबर। शिमला के कोटखाई में देशराज ने स्कूटी के लिए VIP नंबर HP 99 9999 1,12,15,500 में खरीदा है। वहीं HP 99 0005 नंबर मोहित बेदी ने 20,10,000 में खरीदा है। HP 99 0009 नंबर धीरज कुमार ने 21,67,500 में खरीदा है। दूसरी ओर HP 99 0003 नंबर विशाल शर्मा ने 10,57,500 में खरीदा है। दूसरी ओर HP 99 0004 नंबर मनीष ठाकुर ने 9,97,500 में खरीदा है। सोलन के बद्दी में 60,00,000 की धोखाधड़ी, फर्जी कंपनी बनाकर खोल दिया दूसरे का बैंक खाता, 2 चेक आने पर हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के झाड़माजरी में एक निजी कंपनी के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर करीब 60,00,000 की धोखाधड़ी की गई है। शातिर ने कंपनी के नाम पर बैंक में खाता खोल लिया, इसके बाद प्रॉपर्टी सेल के नाम पर लाखों रुपए खाते में जमा करा लिए, जिसकी जानकारी तब लगी जब उनके खाते में 5,5,00,000 के 2 चेक आए। वहीं कंपनी संचालक ने अपने स्तर पर इसकी जांच कराई तो पता चला कि उनकी कंपनी के नाम पर एक फर्जी कंपनी खोली गई है जो गूगल पर शो हो रही है। इसके अतिरिक्त फर्जी कंपनी ने बैंक में खाता भी खोला है। इसके बाद कंपनी संचालकों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने फर्जी कंपनी के खाते को बंद करवा दिया है। बताया जा रहा है कि इस खाते में 50 से 60,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटरों की बैठक फेल, बिलासपुर में 3 घंटे चली मीटिंग, दोनों पक्षों में रेट को लेकर नहीं बन पाई सहमति। हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटरों के बीच बैठकों का दौर जारी है। आज भी DC बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई अडानी ग्रुप व ट्रक ऑपरेटरों की बैठक बेनतीजा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ACC फैक्ट्री विवाद को लेकर बजट भवन में करीब 3 घंटे तक बैठक चली।
वहीं मिली जानकारी के अनुसार ट्रक ऑपरेटर भाड़े की मांग को लेकर अड़ गए हैं। अडानी ग्रुप की बड़ी गाड़ियों के लिए 9.30 रुपए और छोटी गाड़ियों का 10.20 रुपए रेट देने की बात कही है। वहीं ट्रक ऑपरेटर 10.71 रुपए का रेट मांग रहे हैं। ढाई माह में बंद कर दी कृष्णगढ़ तहसील, लोग 40 किलोमीटर दूर जा रहे काम करवाने। हिमाचल के सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र कृष्णगढ़ में खुली तहसील को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। मात्र ढाई माह चली इस तहसील का दर्जा घटाने के बाद यहां पर तैनात तहसीलदार को शिमला भेज दिया गया है। तहसील का दर्जा कम होने से स्थानीय लोगों में रोष पनप रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि कृष्णगढ़ सबसे पुरानी उप तहसील है और क्षेत्रफल भी हाल में बनी तहसीलों से भी ज्यादा है। जिले के ममलीग में 4 और कुनिहार में 6 पटवार सर्किल पर उप तहसील बनी है, जबकि कृष्णगढ़ में 12 पटवार सर्किल है। यहां पर तहसील लंबे संघर्ष के बाद खुली थी, न कि भाजपा ने अपने चुनाव लाभ के लिए इसे खोला था। अब लोगों को करीब 40 किलोमीटर दूर कृष्णगढ़ पहुंचना पड़ रहा है। हिमाचल में 13 साल की बच्ची से रेप, 65 वर्षीय बुजुर्ग गिरफ्तार, पेट दर्द होने पर जांच में खुलासा, बोली बाथरूम में घुस गया था। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 13 साल की बच्ची दुष्कर्म का शिकार बनी है। गगरेट उपमंडल में मामला सामने आया और केस में 65 साल के बुजुर्ग पर आरोप लगे हैं, जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गगरेट थाना में बच्ची के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई है। मेडिकल में रेप की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि एसपी ने बताया कि बच्ची का परिवार किराए पर रहता है। बच्ची ने मां बाप को बताया कि जुलाई 2022 में जब वो बाथरूम में नहा रही थी तो आरोपी बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाथरूम में घुस आया। उसने उसके साथ छेड़खानी की, शोर मचाने पर वो डरा, धमकाकर चला गया। वो बोला अगर इस बारे में किसी को बताया तो जान से मार देंगे, इससे वो काफी डर गई थी। पूर्व सीएम जयराम का सुखू सरकार पर निशाना, बोले हर महीने 1500 करोड़ का लोन ले रही स्पीड से हिमाचल का श्रीलंका बनना तय। भाजपा ने कर्ज पर कर्ज लेने के लिए प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। भाजपा का कहना है कि सुखविंदर सिंह सुखू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार यदि इसी स्पीड से लोन लेती रही तो एक दिन हिमाचल के हालात श्रीलंका जैसे बनने तय हैं। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल और यहां के लोगों की बदनसीबी होगी। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुखू को घेरते हुए जयराम ने कहा कि उनकी सरकार ने 3 महीने के छोटे से कार्यकाल में ही 4500 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। कर्ज लेने की यही स्पीड रही तो इस सरकार को हर साल 18000 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ेगा। जयराम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी गारंटियां कहां से पूरी करनी है यह देखना सरकार का काम है। इसके अतिरिक्त भाजपा नेताओं ने कैबिनेट मीटिंग में एक भी गारंटी पर चर्चा नहीं किए जाने के मामले पर सरकार को घेरा। भाजपा नेताओं ने कहा कि ओपीएस और महिलाओं को 1500 देने को लेकर हल्ला तो काफी था पर कैबिनेट तो खोखली निकली। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कश्यप ने कहा कि युवाओं से कांग्रेस ने 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था पर अभी तक इनकी सब कमेटी ने साल भर में 20,000 नौकरियों की बात की है, यह युवाओं के साथ धोखा है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा भी पूरा होता नहीं दिख रहा क्योंकि बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा है। पिछली भाजपा सरकार ने लोगों को जो 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी थी उसमें भी प्रदेश सरकार ने कटौती कर दी। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।